देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ वायर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई हैज पावर डिसिपेशन P1। नाउ द वायर इज कट इनटू टू इक्वल पीसेस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सप्लाई। तो पावर डिसिपेशन का रेशियो क्या होगा अगर दूसरे वाले केस में पावर P2 है। मतलब कह रहा है कि पहले आपका रेजिस्टेंस कुछ ऐसे था और इसमें कुछ वोल्टेज दे रहे थे, तो इसका जो पावर है, मतलब इस केस में जो पावर डिसिपेशन है लेट से P1, और अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R बोल दूं तो फॉर्मूला हमें कहता है कि पावर डिसिपेशन जो होगा V2/R होगा। एक तो हमारा ये हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि द वायर इज कट इन टू टू इक्वल पीसेस, मतलब इसी रेजिस्टेंस को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो, एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा। इस तो जब हम रेजिस्टेंस की लेंथ हाफ करेंगे, रेजिस्टेंस वायर की लेंथ जब हम हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो लेंथ को आप जब डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को जब हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो मान लिया कि ऐसे दो रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो चलो इनको पैरेलल में लगा देते हैं, लग गया। अब कह रहा है कि इस वाले केस में पावर डिसिपेशन जो है वो P2 है, तो चलो इसका पावर डिसिपेशन निकाल लेते हैं। तो पावर डिसिपेशन निकालने के लिए हमें पहले इसका रेजिस्टेंस तो पता हो, इसका रेजिस्टेंस हमें पता हो, तो मान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 है। तो मैं क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो मैं R2 की वैल्यू निकाल सकता हूं ऐसे, 2/R प्लस में 2/R दैट इज 1/R/2 इज इक्वल टू 4/R। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी R/4, मतलब नया रेजिस्टेंस जो है वो R/4 है। तो नया पावर डिसिपेशन हम निकाल सकते हैं, न्यू पावर डिसिपेशन क्या होगा, P2 इज इक्वल टू वोल्टेज सेम है तो V2/, और नीचे मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, न्यू रेजिस्टेंस R2, तो वो हमारा कितना है R/4। अब इसको हम सॉल्व करें तो P2 इज इक्वल टू V2/R और ये जो 4 है ऊपर मल्टीप्लाई में जाकर के ये हो जाए, तो आप P2 इज इक्वल टू लिख सकते हो, देखो ये वाला जो वेरिएबल है वो P1 के बराबर है, तो दैट इज P1 इंटू में 4 आ जाएगा। फिर हमें निकालना क्या है, ये P2 रेशियो P1, तो आप इसको नीचे ले अगर ले आओ P2/P1 तो ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि जो रेशियो होगा रिक्वायर्ड रेशियो वो 4:1 होगा। तो यहां पर देख लेते हैं ऑप्शन, तो ये ऑप्शन B वाला जो होगा ये होगा करेक्ट।